रहा है इन्हें नीचे, ये मेल है ये फीमेल है, बेंटम की अकल बड़ी है भैंस। चलो ये अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम ले आए हैं बेंटम और बहुत बड़ी खूबसूरत है, छोटी छोटी सी हैं अरहम की तरह, तो आपको दिखाते हैं। हाँ भाई छोड़ो जरा इन्हें नीचे, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो है ये मेल है ये फीमेल है बेंटम की, बहुत प्यारी हैं बहुत प्यारी हैं। हाँ भाई अरहम कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारी हैं, बहुत जबरदस्त हैं, जबरदस्त। जी तो दोस्तों हमारी बेंटम हेंज आपको कैसी लगी लाजमी बताना है आपने। हाँ भी उम्र कैसी है? जबरदस्त, आज मैं मंडी, मेल से ज्यादा फीमेल प्यारी लग रही है। आज मैं मंडी गया हुआ था तो वहाँ फिर रही थी, बस बड़ी प्यारी लगी तो ले ली फौरन। दोस्तों ये आपने बताना है कि हमारी बेंटम आपको कैसी लगी। बाकी ये देखें शाम हो गई है दोस्तों, वेदर भी चेंज हो रहा है तो ना दिन बहुत जल्दी ना गुजर जाता है। तो मैं गया हुआ था आज तो मंडी से लेके आया हूँ, पेट मार्केट के पास से गुजर रहा था, वहाँ पे एक भाई लेके खड़ा हुआ था ये पेयर, तो बड़ा पसंद आया मुझे, मैंने फ़ौरन लिया ये। तो अभी आते आते अभी वीडियो भी स्टार्ट करी है, बिल्कुल बस ना अंधेरा होने वाला है। बाकी ये देखें फोर इडियट्स को, और दोस्तों ये देखें माशाल्लाह जो हमारे लैला मजनू है ना, ये अच्छी बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। फीड दे रहा हूँ मैं इन्हें तो ना काफ़ी अच्छा इन वेट वगैरह निकाल रहे हैं, और मुझे माशाल्लाह ये बड़े बड़े लग रहे हैं। तो माशाल्लाह ये सारी हमारी जो फैंसी ब्रीड है ना वो कट्ठे ही लगी हुई है दाना शाना खाने में। और इधर इसको देखें। हाँ भाई अरहम ये देखो, ये तो तुम्हारी तरह ना आराम से बैठा हुआ है दोस्तों, बड़े ही मज़े से बड़े ही प्यार से बैठा हुआ है और ना हिल नहीं रहा। अब भागा है जी। हाँ यार ये तो इसको बताया ही नहीं दोस्तों, आराम को पता ही नहीं यार हम आज छत पे आया, तुमने कल नहीं देखी ये? हाँ तुम तो स्कूल थे जी। दोस्तों ये देखो ये जो है ये हम पॉलिश का पेयर लेके आए थे और फ्रिल बैग का पेयर था, कैसी हैं? माशाल्लाह वो ब्लैक वाली तो बहुत ज्यादा प्यारी है और ब्राउन वाली भी बहुत है ना, ये तो मुझे एकदम नजर आई है अब मैंने देखी। मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ कल तुम तो ऊपर आए नहीं। हाँ पेपर सही हुआ तुम्हारा? चलो बाकी ये तो तुमने देखी हुई है ना ब्राइड जो है हमारी, पूरी छत में सबसे ज्यादा शरीफ यही है, छोटी शरीफ ही हैं, आराम से पकड़ी जाती हैं, आराम से बाहर आती हैं, आराम से पीछे पीछे भी चलती हैं। अच्छा और इन्हें देखो कल उन्होंने भी अपने पर फैलाए हुए थे, मैं शाम में जब आया हूँ। हाँ माशाल्लाह यार। बाकी ये जो है शाका को कब करना है? बाकी यार वो मैं उनको ना भाई आज गया था तो, लेकिन ना मेरे मैं बेंटम ले आया था, यहाँ पे हमने लगाने हैं मोरों के ना जो घड़े, अपना मोरों कह रहा हूँ खरगोश के घड़े, तो वो घड़े ले आया हूँ, कह दिया है। अब वो अगर तुम्हारा चक्कर लगे ना तो अपने किसी दोस्त के जाके उठा लेना, वो चार घड़े हैं। परसों जाओगे या कल? देखूंगा ना जैसे टाइम बनेगा। हाँ यार वो लाजमी ले आओ ताकि हम इसके अंदर लगाए, बच्चे सच्चे आए। अच्छा जी दोस्तों ये देखें ये फोर इडियट्स को देख के ना कैसे गुस्से में आया हुआ है, वो देखो वो खरगोश वो अपना कबूतर वहाँ बिल्कुल एंड पे चले गए हैं। और अच्छा आपको पता है हट जो आ रहा है, हट जो, वो देखो माशाल्लाह दोस्तों ये बड़ा प्यारा जोड़ा है ये ना। जी तो दोस्तों बाकी उमर और अरहम लगे हुए हैं चीज़ें बंद करने में, शाम का टाइम है क्योंकि ना मगरिब होने वाली है बस, तो जाहिर है फिर चीज़ों को ढकना भी होता है, वेदर अब मौसम चेंज हो रहा है ठंड होती है। और असल जो है ना ये जब इन दोनों को चीज़ें बंद करनी होती हैं ना दोस्तों, इन्हें ऐसे जलील करते हैं परिंदे, ऐसे जलील करते हैं
वो कहते हैं कि हमें खुला रहने दो। लेकिन दोस्तों रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ओस भी पड़ रही है हल्की हल्की, हम इन्हें रात को खुला नहीं छोड़ सकते। वाह उमर तुमसे मुर्गी नहीं पकड़ी जा रही। ये वही है जो आज ली है बेंटम। बाकी दोस्तों वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें, और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ये लाजमी बताया करें। हाँ जी रांझा नहीं पकड़ा जा रहा, पकड़ो 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 रांझे को, पकड़ो 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 पकड़ो, खुद ही जाएगा ये। दोस्तों उमर ने पकड़ लिया रांझे को, छोड़ो भाई। यार मुझे लगता है ये भी ना अंडे देने वाली हैं। इसको अंडों में इंतजार करती हूँ, कह रही हैं कि कुछ लगाओ या कुछ भी करो, उन्होंने अंडे तो देने हैं ना। मैं कहता हूँ मास्टर केज, मास्टर केज हमने हम बोलना ही नहीं। दोस्तों ये हैं पागल, एक दिन ये इन्होंने ऊपर आना है और उन्हें मास्टर केज बनावा मिलेगा इंशाल्लाह। चीज़ें हो गई हैं सारी बंद, और ये देखें ये कबूतर उड़ रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे। और ये फ्रिल बैक सही जलील करी खड़ी है। आफ्टर ऑल काफी मेहनत के बाद उमर ने फ्रिल बैग को पकड़ लिया। जी तो दोस्तों ये देखें हर चीज पकड़ी गई है, और फोर इडियट्स के अलावा। फोर इडियट्स को पकड़ना आसान नहीं, और लेकिन ये जाते अपने घर में खुद ही हैं, समझदार बहुत हैं ये। अच्छा दोस्तों मज़े की बात ये, फोर इडियट्स में से अगर कोई भी एक पहल कर देगा ना, एक अंदर पहले चला गया, सारे खुद ब खुद जाएंगे पीछे। हाँ भी अरम ये देखें ये देखें ये देखें, और देखें माशाल्लाह व्यू कितना प्यारा आ रहा है। जी तो दोस्तों देखें इन्हें कैसे जलील कर रहे हैं ये फोर इडियट्स। दोस्तों अक्सर ऐसा भी होता है कि ये जब उमर से ना पकड़ी जा रही हो ना, ये सारा गुस्सा निकालता है अरहम पे कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम पकड़ नहीं पा रहे। और देखें अरहम ने पकड़ लिया है। दोस्तों ये जब अरहम सुबह स्कूल जा रहा होता है ना, उस टाइम मैं तो सो रहा होता हूँ, लेकिन ये जब 7 बजे सुबह उठता है उस टाइम ये सारे बर्ड्स को खोल देता है, पानी शानी रख देता है, दाना बाहर काफ़ी सारा रख देता है ताकि सारे परिंदे शिंदे खा लें, फिर दोपहर को एक आधी दफ़ा अच्छी तरह हम दे देते हैं। इस टाइम लेकिन ना बंद करना ज़रूरी है, और फिर ताकि ढकना वगैरह होता है क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज। बाकी दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल फहद के परिंदे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में एक नई पेट के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी तो दोस्तों परिंदे रखना इतना आसान भी नहीं। अभी तो ये हमारी छत है, ये बड़ा जब हम इंशाल्लाह बनाएंगे उधर तो हमें नचाएंगे ये, जब भी वो भी हो जाएगा वहाँ पर हम कुछ सिस्टम कर देंगे अपना, पता है क्या, वहाँ यहाँ है सारी ओपन, वहाँ हम बना देंगे एक रूम, वहाँ एक रूम बन जाएगा सारा, तो सिस्टम अच्छा हो जाएगा, सारे रात को उसके अंदर खुद चले जाया करेंगे। ओके अकल बड़ी या भैंस? भैंस। हाँ भाई अकल बड़ी है भैंस। चलो ये इसकी अपनी, ये तो अपनी साइंस होती है ना इसकी।